नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है कि मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड किए, जैसे इंट्रोडक्शन टू सरफेस फिनिश एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि रीजंस फॉर कंट्रोलिंग सरफेस फिनिश। ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, आपको सरफेस फिनिश को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जल्दी से आप जो पहले दो वीडियोस हुए थे उसका मैं रिवीजन कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया था कि जब कोई भी पार्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका जो सरफेस फिनिश है, जो आपको चाहिए ज्योमेट्रिक फॉर्म जो चाहिए वो नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा डिवेट हो जाता है। वो जो डिवेट होता है उसको आप क्या कहते हो, सरफेस फिनिश कहते हो। सरफेस फिनिश इधर आप उसको रफ सरफेस कहते हो या स्मूथ सरफेस, ऐसे दो। और वो किससे डिजिग्नेट होता है, सरफेस टेक्सचर के हिसाब से डिजिग्नेट होता है। तो उसका डेफिनेशन भी उसमें देखा था। तो अभी जो सरफेस फिनिश है वो किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो वो है आपका टाइप ऑफ कूलेंट, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आपका जो मशीन है उसका रिजिडिटी क्या है, आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो, आपका कटिंग टूल का शेप क्या है, इसके वजह से ये क्या होता है पूरा आपका जो सरफेस फिनिश है वो क्या, वाइब्रेशंस, इसके ऊपर सरफेस फिनिश डिपेंड होती है। अभी ये जो सरफेस फिनिश है इसको कंट्रोल क्यों करना है तो वो देखते हैं। अभी इसके लिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, आपको एक हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल देता हूँ कि हीट एक्सचेंजर, आपको पता है कि हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, कंसीडर कर लिया आप, ये एक आपका हीट एक्सचेंजर है। इसमें क्या होता है, यहाँ से हॉट वाटर आता है और यहाँ से कूल वाटर बाहर जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मीडियम है, जो कूलिंग मीडियम है आपका, वो कूलिंग मीडियम यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो जब ये कूलिंग मीडियम यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, हॉट वाटर इसके टच में आएगा ऐसे ये पाइप के, और वो क्या होगा, अपनी जो हीट है वो अंदर का जो मीडियम है उसको दे देगा। अगर ये जो सरफेस है इसको मैंने क्या किया, स्मूथ रखने के हिसाब, इसके वजह मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा रफ बनाया, इसका जो ऊपर का सरफेस है मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा रफ बनाया, तो क्या होगा, वो बेटर हीट ट्रांसफ़र करेगा, मतलब वहाँ पे सरफेस फिनिश मुझको रफ चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, ब्रेक ड्रम का। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ब्रेक ड्रम का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे आपको सरफेस कैसा चाहिए, रफ चाहिए अगर आपको ब्रेक अप्लाई करने हैं। उसके बाद फॉर कंपोनेंट्स विच आर सब्जेक्टेड टू लोड रिवर्सल्स, लोड रिवर्सल्स मतलब क्या, कंसिडर करो एक शाफ्ट है दो बेरिंग के ऊपर माउंट किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड है इसका, ये लोड क्या होता है, कंटिन्यूसली अप्लाई होता है रिलीज़ होता है, अप्लाई होता है रिलीज़ होता है। ऐसा अगर शाफ्ट है आपका और ये शाफ्ट को अगर आपने इसको स्मूथ फिनिश बनाया तो वो क्या होता है, उसकी लाइफ इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर ये समझो ये शाफ्ट को यहाँ पे ऐसा छोटा सा क्रैक है, अभी ये सरफेस फिनिश है, आप ओपन आई से नहीं देख सकते हो उसको, आपको सरफेस मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है टेलर ऑप्शन वगैरह उससे ही देखना पड़ता है। लेकिन कंसीडर करो यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है, तो क्या होगा, ये लोड कंटिन्यूसली अप्लाई और रिलीज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा और आपका शाफ्ट वहाँ पे टूट जाएगा। फॉर क्वाइटर ऑपरेशन द सर्फेस टू बी शुड बी स्मूथ, अगर कोई आपका इंजन का पार्ट्स है वो क्या होगा, अगर इंजन आपको स्मूथ उसका नॉइज़ नहीं चाहिए तो आपको पार्ट्स का क्या होना चाहिए, फिनिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अभी इसके मेन ये देखते हैं कि प्रिंसिपल रीजंस फॉर कंट्रोलिंग द सर्विस लाइफ। प्रिंसिपल रीजंस क्या है कि पहली गोष्ट तो सर्विस लाइफ, जैसे मैंने अभी ये इसका बताया कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चर पार्ट है कि उसको अगर उसकी सर्विस लाइफ इम्प्रूव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस फिनिश उसकी अच्छी रखनी, टू इम्प्रूव सर्विस लाइफ, टू रिड्यूस फटिग रेजिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ बताया, फटिग रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो पार्ट पे कंटिन्यूसली लोड आता है, ठीक है, उसको कुछ दिनों के बाद वहाँ पे क्रैक होना चालू हो जाता है, उसको फटिग बोलते हैं। टू रिड्यूस इनिशियल वियर, इनिशियल वियर मतलब क्या, जैसे मैंने कल के इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी बताया था कि आपका एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट का सरफेस है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो इसके हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पहले क्या होते रब होते हैं और फिर उनके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या होते कट हो जाते हैं और फिर वही आपके एब्रेसिव का काम करते हैं। तो टू रिड्यूस इनिशियल वेयर, अगर पार्ट स्मूथ है तो इनिशियल वेयर आपका कम होगा। टू रिड्यूस फ्रिक्शनल वेयर,
बाद में फिर भी वो क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन वियर कम करने के लिए भी क्या चाहिए आपका, सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए। टू करोजन, अभी करोजन कैसे कंसिडर करो, एक शाफ्ट है और एक दूसरा शाफ्ट है, लेकिन इसका जो इसके ऐसे फिनिश है और दूसरा जो है उसके ऐसी फिनिश है उसकी, तो क्या होगा, करोजन क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर वो पार्ट को क्या करते हैं, रस्ट करना चालू होते हैं। अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो वो रस्टिंग क्या है उसको थोड़ा सा डिले होगा। फिर उसके बाद रिड्यूस फ्रिक्शनल करोजन, फिर अपीयरेंस, अपीयरेंस की बात आती है तो मैंने फ्रंट शॉक ऑब्जर्वर का एग्जांपल दिया था आपको। फ्रंट शॉक ऑब्जर्वर देखो तो एकदम मिरर फिनिश रहता है, कोई भी पार्ट का अगर सरफेस रफनेस अच्छा है तो वो उसका अपीयरेंस भी अच्छा हो जाता है। इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ इनफ अ टर्निंग शाफ्ट मे लाइक एट द रिमर, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक टर्निंग शाफ्ट है तो टर्निंग शाफ्ट क्या करेगा, रिमर का काम करेगा। रिमर पता है आपको, ड्रिलिंग के बाद एक ऑपरेशन करना पड़ता है उसको रिमिंग बोलते हैं। उसके बाद पिस्टन रॉड लाइक वर्क एज ए ब्रोच, पिस्टन आपके सिलेंडर इसमें क्या करेगा, वो ब्रोच का काम करेगा। वही अगर समझो किसी आपके फ़ैन है, फ़ैन या कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट है, अगर वहाँ पे सरफेस फिनिश अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो ये मेन रीजंस थे आपके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।